गाइस, सीए जय चावला दिस साइड। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप ये वीडियो से समझ गए होंगे, सीए इंटर और आईपीसीसी वाले स्टूडेंट्स, चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो, व्हाट आई एम प्लानिंग टू गिव यू इज चैप्टर वाइज रिवीजन। यस, टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज आप बोलो, रिवीजन मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। गाइज, मैंने प्लान किया है कि हमारे जो दो सब्जेक्ट हैं, एक ग्रुप वन में अकाउंट्स और एक ग्रुप टू में एडवांस अकाउंट्स। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप ओल्ड सिलेबस में हैं या फिर न्यू सिलेबस में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेसिफिकली मैं इस बार क्या कर रहा हूं कि मैं चैप्टर वाइज रिविजन डाल रहा हूं यूट्यूब पे। राइट, चैप्टर वाइज रिविजन यूट्यूब पे रहेगा। यूट्यूब पे कौन से चैनल पे रहेगा, ये सीए जय चावला चैनल और दूसरा वी स्मार्ट एकेडमी, दोनों चैनल्स पे साइमल्टेनियसली ये रिवीजन वीडियोस डालेंगे। ठीक है, अब कुछ बातें इंपॉर्टेंटली सुन लीजिए जो कि आपके लिए जरूरी है। पॉइंट नंबर वन, चैप्टर वाइज रिवीजन डालूंगा जो कि एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम एग्जाम डे में पर्टिकुलर कोई चैप्टर है, ऐसा तो होता नहीं कि पूरा ही सब्जेक्ट हमें नहीं समझ में आ रहा, बट पर्टिकुलर एक दो चैप्टर ऐसे होते हैं किसी किसी बच्चों के लिए, कोई कोई बच्चों के लिए कोई कोई टॉपिक ऐसे रहते हैं जो एग्जाम टाइम में हमें लगता है या तो छोड़ के चले जाएं या तो हमें कोई समझा दे अच्छे से। तो उसी पर्पज से मैंने ये वीडियोज रिकॉर्ड किए हैं और ये वीडियोज मैं डाल रहा हूँ। राइट, जैसे पार्टनरशिप का एक सेपरेट टॉपिक हो गया, ब्रांच का एक सेपरेट टॉपिक हो गया, राइट, डिपार्टमेंट का एक सेपरेट टॉपिक हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सेपरेट टॉपिक हो गए, ठीक है ना, कंसोलिडेशन का एक सेपरेट सेपरेट हो गया, अमेलगमेशन सेपरेट हो गया। सो आई आई विल ट्राई कि मैं हर टॉपिक, चाहे ग्रुप वो ग्रुप वन का हो चाहे ग्रुप टू का हो, मैं हर टॉपिक अपलोड करूंगा। मैंने क्या बोला, आई विल ट्राई, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गालियां खाऊं आप सब लोगों की। मेरे पास जितना भी हो सकेगा मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि मैं रिविजन वीडियोज चैप्टर बाय चैप्टर रिविजन वीडियोस अपलोड करता जाऊं और आप उसका बेनिफिट उठाते जाओ। दूसरी बात, नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स आपको हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप मुझे अलग से व्हाट्सएप करोगे और मैं आपको आप मुझसे बोलोगे सर वो नोट्स ना नोट्स मुझे शेयर कर दो और मैं आपसे शेयर भी करूंगा। टोटली इग्नोर कर दिया जाएगा आपका मैसेज अगर आप उससे पर्सनल व्हाट्सएप पे नोट्स मांगोगे तो। सो कृपया करके रिक्वेस्ट कि वीडियोस, जो भी चैप्टर वाइज वीडियो है, हर चैप्टर में उस पर्टिकुलर टॉपिक का नोट्स रहेगा, ठीक है ना। तीसरा, अच्छा सर ये रिवीजन वीडियो किस टाइप का होगा, ये रिवीजन वीडियो कैसा होगा वो सुन लीजिए। बेसिकली एक बात याद रखिए, दीज रिविजन वीडियोज कैन नॉट बिकम अ सब्स्टिट्यूट फॉर रेगुलर कोर्स एंड फॉर फास्ट ट्रैक कोर्स। मेरा रेगुलर कोर्स आता है जो बिल्कुल ही फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने कभी वो सब्जेक्ट टच नहीं किया, या मेरा एक फास्ट ट्रैक कोर्स आता है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे एक फास्ट ट्रैक कोर्स आता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले कभी किसी दूसरे टीचर से पढ़ा बट उनको नहीं समझ में आया, या उनको आधा आया आधा नहीं आया, या उनको टाइम हो गया उनका बहुत टाइम से निकल नहीं रहा, नाउ दे जस्ट वांट कि उनको एक बार और पूरा फ्रेश अप हो जाए उस सब्जेक्ट से, तो वो फास्ट ट्रैक में पढ़ते हैं। बट दिस इज अ रिवीजन वीडियो। रिवीजन वीडियो का सबसे मेरा प्राइम पर्पस होता है, टारगेट होता है कि एग्जाम डे में, मतलब मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपने ये पढ़ा हुआ है, सिर्फ मैं आपको गो थ्रू करवा रहा हूं पूरे टॉपिक से बाय रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट एज वेल एज बाय डूइंग सम क्वेश्चन का प्रैक्टिस। मतलब एकाध क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ में, कि जैसे कोई भी एक टॉपिक किया उसका हमने एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर दिया, दैट्स इट, आगे बढ़ो। तो ये एक रिवीजन है। तो याद रखिएगा कि ये रिवीजन वीडियो है, ये एग्जाम पर्पस से आपको रिविजनरी वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दीज वीडियोस कैन नॉट बिकम द सब्स्टिट्यूट फॉर रेगुलर कोर्स एंड फॉर फास्ट ट्रैक कोर्स। वो कई ज्यादा बेहतर होते हैं, कई ज्यादा बहुत गुना अच्छे होते हैं। ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है। ये वीडियोस चाहे मेरे कोई स्टूडेंट, चाहे कोई एग्जिस्टिंग मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे मेरे कोई स्टूडेंट नहीं भी है, कोई किसी और फैकल्टी से भी पढ़े हुए हैं, चाहे वो उन्होंने सेल्फ किया है, सबके लिए रहेंगे। आप कोई भी कहीं से भी पढ़ चुके हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट विद दिस नोट। मैं एक चीज आपके आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में नोट्स के साथ साथ मेरा टेलीग्राम ग्रुप, सीए इंटर का जो टेलीग्राम ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है,
फॉर अपडेट्स एंड डाउट्स एंड डिस्कशन, वो जरूर मेरा सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज 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 वो जरूर सब्सक्राइब करना और सबके साथ शेयर करना। दूसरा, इंस्टाग्राम का भी लिंक उसमें है, फेसबुक का भी लिंक है, आप मेरे दोस्त भी बन सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे आप मेरे फ्रेंड बन सकते हो, तो आप जरूर वो चीज भी कर लेना। प्लस ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर सभी के साथ शेयर करना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आप सबके लिए। सो गाइज, विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ, आपको इसी के कंटिन्यूशन में आपके लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे और मैं आशा करता हूं कि आपके ये लेक्चर्स बहुत अच्छे से जाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो कृपया करके प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा व्हाट्सएप पे 7887788705। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, आई होप आपकी स्टडीज अच्छी हो, थैंक यू। और अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा था? नेक्स्ट टॉपिक वॉज डिपार्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक वॉज डिपार्टमेंट। ये वाला क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा खुद ही, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने ये डाला है इसमें, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा थोड़ा सा डिवेंचर वाला क्वेश्चन, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैंने डाला हुआ है इसमें। ओके, डिपार्टमेंट बच्चों, डिपार्टमेंट में जो आधी चीजें तो ब्रांच की तरह है, मतलब स्टॉक रिजर्व निकालते हैं, वही सब लॉजिक कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब गुड्स ट्रांसफर किए जाते हैं तो पहला वाला डिपार्टमेंट स्टॉक रिजर्व निकाल के अपने पीएनएल में करेगा, पहला वाला डिपार्टमेंट दूसरे वाले डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक पर अपना रिजर्व निकालेगा। डिपार्टमेंट में स्टॉक रिजर्व से जुड़ी हुई बातें तो सब वही है। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, क्योंकि जो भी आपके लॉजिक्स क्लियर होंगे वो क्वेश्चन से क्लियर होंगे और जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें हैं डिपार्टमेंट में वो क्वेश्चन से ही समझ में आएंगी। सो अपन क्वेश्चन से करना शुरू करेंगे डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 डिपार्टमेंट में, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आइए बेटा, एक्चुअली ना डिपार्टमेंट में गिनती के 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट उन्हीं में से देता रहता है, बस 3 से 4 गिनती के क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ बिजनेस हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स, हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट ए बी सी परचेजेस 1500 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, देखो सब बातें दी हुई हैं, परचेज यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। एक काम करो ना, अगर इतना सब कुछ दिया हुआ है तो सोल्ड यूनिट्स भी निकल आएगा, जब निकाल के दे सकते हो आप मुझे, बताओ सोल्ड यूनिट्स कितना आएगा, जल्दी बताओ, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग 200 प्लस परचेज 1500 माइनस क्लोजिंग कितना आया, 1600 यूनिट्स, 1140 यूनिट्स, 1950 यूनिट्स, ठीक है बेटा, ये सोल्ड यूनिट्स आ गए। आगे बढ़ते हैं, परचेजेस वर मेड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 92,000, ये जो हमने परचेज किया है ना, ये परचेज की टोटल कॉस्ट कितनी है, कितनी है बेटा, 92,000, ये परचेज की टोटल कॉस्ट कितनी है, 92,000। बच्चों समझ में आ रही बात, अच्छा, द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर इज सेम इन ईच केस ना, यहां पर ईच केस मतलब डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, तीनों का
जीपी रेशियो सेम है, तीनों का क्या सेम है? जीपी रेशियो सेम है बच्चों, मैंने बोला जीपी रेशियो सेम है, जीपी रेशियो सेम है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। आगे सेल प्राइस पर यूनिट 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, सेल प्राइस पर यूनिट। मैं आपको बता देता हूं कि बच्चा इसमें गलती क्या करता है और आपको क्या इसमें करना चाहिए। आपको सेल दिख रहा है तीनों डिपार्टमेंट्स का? हाँ, आपको सेल दिख गया। वो क्या बोल रहा है? प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। आपको लगेगा सर आसान है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो मुझे डिपार्टमेंट ए का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, करना क्या है सर? ओपनिंग स्टॉक लिख दो, परचेस लिख दो, सेल लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक लिख दो। मैं बोलूंगा ठीक है, सेल कितनी लिखेंगे सर? सर 20 रुपए के हिसाब से, अरे आप सामने देख रहे हो कि नहीं, 20 रुपए के हिसाब से 16 यूनिट्स, 1600 यूनिट्स, जल्दी बोलो कितना हुआ? कितना? 32,000। अब मुझे बताओ ओपनिंग परचेज और क्लोजिंग किस पे लिखेंगे? टेल मी, ओपनिंग क्लोजिंग और परचेज का वैल्यू बोलो। सर परचेज दिया है ना सर 92,000। सर ये तो तीनों डिपार्टमेंट का मिलके है ना, हम तो एक अलग। सर कोई दिक्कत थोड़ी है सर, 92,000 डिवाइडेड बाय ये नंबर ऑफ यूनिट्स, 1500, 1000, 2000, 4500। सर डिवाइड बाय 4500, तो सर 92,000 डिवाइड बाय 4500 सर 20.44। सर ये आ गया 20.44, ये अपनी कॉस्ट हो गई, तो ये इधर 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 इनटू कर देंगे। आई एम सेइंग नो, वी कैन नॉट डू दिस। व्हाई? वी आर, व्हाट वी आर सेइंग, हमारा जीपी रेशियो सेम है। अगर आप अज्यूम ऐसे ही अज्यूम करो, अगर आपका जीपी रेशियो 10% है, आपकी सेल प्राइस सेम है क्या? हाँ, अगर आपकी सेल प्राइस डिफरेंट है और जीपी रेशियो सेम है तो तीनों डिपार्टमेंट का कॉस्ट प्राइस डिफरेंट ही होगा, कुछ भी कर लो। क्यों? अपनी सेल में से माइनस टेन परसेंट करो, बताओ कॉस्ट कितनी आ रही है? 20 रुपए माइनस 10%, 18 रुपए, 25 रुपए माइनस 10%, 22.5, और 30 रुपए माइनस 10%, 27 रुपए, आपकी कॉस्ट डिफरेंट आ गई ना बेटा। हाँ, तो अगर आपका जीपी रेशियो सेम है, अगर आपका जीपी रेशियो सेम है और क्योंकि आपकी सेल प्राइस डिफरेंट दिख रही है, तो आपका हर डिपार्टमेंट का कॉस्ट प्राइस भी डिफरेंट ही होगा। तो ये जो 92,045 डिवाइड करते हैं, ये गलत तरीका होता है, ये नहीं करना चाहिए। बच्चों समझ में आ रही बात मेरे? आ रही है कि नहीं? तो अब क्या करें, हमें चाहिए कॉस्ट, हमें इस क्वेश्चन में चाहिए कॉस्ट। मैं लिख रहा हूं वी नीड कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच डिपार्टमेंट, फॉर ईच डिपार्टमेंट। आई बात समझ में कि नहीं? एंड ऑल्सो जीपी रेशियो, एंड ऑल्सो जीपी रेशियो। बोलो बच्चों क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हम एक अजम्पशन लेंगे, हम एक अजम्पशन लेंगे, ओपनिंग स्टॉक इज निल। थोड़ी देर के लिए मान लो ओपनिंग स्टॉक निल है, फॉर द टाइमिंग, फॉर द टाइमिंग, ठीक है। और दूसरा, ऑल परचेस्ड गुड्स आर सोल्ड, ऑल परचेज गुड्स आर सोल्ड, देयरफॉर नो क्लोजिंग स्टॉक, ऑल परचेज गुड्स आर सोल्ड, ठीक है। अब बनाएंगे अपन एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? जल्दी बोलो बेटा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, पूरे ऑल डिपार्टमेंट का कंबाइंड। मैंने बोला ओपनिंग स्टॉक निल है, ये अज्यूम करो। आपने ओवरऑल परचेज कितना किया है? 92,000। बोलो बेटा परचेज कितना किया है? 92,000। और दूसरा अजम्पशन चेक करो, क्या लिखा है मैंने? दूसरा अजम्पशन चेक करो, नहीं नहीं पूरा पढ़ो, ऑल परचेज गुड्स आर सोल्ड। तो यहां पर जब मैं सेल लिखूंगा तो डिपार्टमेंट ए का परचेज कितना था?
डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट ए का परचेस 1500, सोल्ड एट 20 रुपीज। बी का परचेस कितना था? 1000, सोल्ड एट 25 रुपीज। और 2000, सोल्ड एट 30 रुपीज। करो कितना आया? एक लाख 15,000। बेटा 1,15,000, 1,15,000 आया कि नहीं? जल्दी बोलो बेटा, आया कि नहीं आया? सर आ गया, बिल्कुल आ गया साहब। अरे बोलो यार, आया कि नहीं? जी सर आ गया। आ गया? अच्छा, सेल क्लोजिंग स्टॉक निल, बताओ जीपी कितना आ रहा है? 23,000 जीपी आ गया। अब निकालो जीपी रेशो। जीपी रेशो किस पे निकलता है? सेल पे। 23 डिवाइड बाय 115। बोलो बेटा कितना आ गया? 20% आपका जीपी रेशो आ गया। और हमें ये पता है कि ये जीपी रेशो ए का भी यही है, बी का भी यही है, सी का भी यही है। ए बी सी का जीपी रेशो 20%, 20%, 20%। अब अगर तीनों का ये 20% है तो इसका मतलब बताओ, यहां बताओ 20% लेस करो कितना बच रहा है? ये इनकी कॉस्ट आ जाएगी, जल्दी बोलो 16। फिर 20, 24, दैट्स इट। ये आपकी कॉस्ट आ गई। अब आप क्या करोगे? आप हर डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे जिसमें ओपनिंग स्टॉक को इस कॉस्ट के हिसाब से बुक करोगे, परचेज को भी कॉस्ट के हिसाब से बुक करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को भी कॉस्ट के हिसाब से बुक करोगे, और सेल तो आपको प्राइसेस दिए हुए हैं। बच्चों समझ में बात आ रही कि नहीं? सर ओपनिंग और क्लोजिंग को क्यों बुक करेंगे सेम कॉस्ट पे? क्योंकि वो बोल रहा है लास्ट 2 ईयर से हमारी कॉस्ट कॉन्स्टेंट है, कॉस्ट और सेल प्राइस कॉन्स्टेंट है, तो जो कॉस्ट आज की है वो कॉस्ट पिछले साल की होगी। समझ में आया कि नहीं बच्चों? क्लियर है? दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, हां जी, फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ शैतान लिमिटेड। You are required to prepare the departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st March 10 after adjusting unrealized profits if any. दो departments दिए हुए, opening, purchases, sales. General expenses incurred for both the departments were 125. General expenses किस पे है? 125 दोनों departments के लिए। Closing stock of department X 1 lakh. Including goods from department Y for ₹20,000 at a cost of department X. फिर से पढ़ो, पढ़ो बेटा पॉइंट को, जल्दी इस पॉइंट को पढ़ो। डिपार्टमेंट X का क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख, उसमें गुड्स शामिल है जो उसने Y से खरीदे थे। कितने में खरीदे थे? 20,000 एट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट X. X के लिए वो कॉस्ट है, तो Y ने सेल किया होगा 20,000 पे। बोलो बच्चों, वैसे ही सेम पॉइंट Y का भी दिया हुआ है और फिर नीचे ओपनिंग स्टॉक का भी दिया हुआ है। द ग्रॉस प्रॉफिट इज यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर, ग्रॉस प्रॉफिट इज यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये ईयर टू ईयर लिखने का मतलब क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर, इसका मतलब क्या होता है लिखने का? कि जब आप स्टॉक, अरे हर साल तो ठीक है, मतलब क्या होता है ये पूछ रहा हूं। ये लिखने का कारण क्या है?
आप जब क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट का रिजर्व निकालोगे ना, तो आपको ओपनिंग स्टॉक के ऊपर भी सेम जीपी लगाना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं? आपको ओपनिंग के ऊपर भी सेम जीपी करंट ईयर का ही लगाना पड़ेगा। आपको करंट ईयर का जीपी चाहिए स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए, क्या चाहिए? जीपी। चलो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से होगा। आइए फॉर्मेट बनाइए। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, एक तो है एक्स एक वाई, एक्स और वाई। ठीक है बेटा, सबसे पहले बताओ ओपनिंग स्टॉक कितने हैं, जल्दी बताना देख के, ओपनिंग स्टॉक कितने हैं? 50 और 40। परचेजेस कितना है बोलो बच्चों? 650 और 910। ठीक है, फिर सेल्स बोलो 10 और। बेटा क्या एक्स और वाई दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं? क्या एक्स और वाई दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ट्रांसफर वैल्यूज कहां है? एक्स ने ड्यूरिंग द ईयर वाई को गुड्स ट्रांसफर किए होंगे, कहां लिखा हुआ है? वाई ने ड्यूरिंग द ईयर एक्स को गुड्स ट्रांसफर किए, कहां लिखा है? वो तो जो पॉइंट्स में लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसमें सिर्फ ये लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक में कितना वैल्यू शामिल है। ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर किया वो कहां लिखा है? नहीं है, इसीलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि परचेजेस और सेल में रिस्पेक्टिव ट्रांसफर्स शामिल है। आया समझ में कि नहीं? तो लिखो अज्यूमिंग दैट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन परचेज एंड सेल्स, ऑलरेडी उसमें शामिल है। ठीक है बेटा, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक बताओ, टोटल एक्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एक्स 1 लाख और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाई 2 लाख। बेटा जनरल एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा नहीं, ठीक है, और इसके अलावा और कोई चीज दी नहीं हुई है। जल्दी से जल्दी आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालो सबसे पहले, तो जल्दी निकालो 4 लाख। हाँ और दूसरा 7 लाख 50,000। अब मैं आपसे पूछूंगी जीपी रेशियो निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे? 4 लाख/10 लाख 40% और 7.5/15 लाख 50% बोलो बेटा। आप ये जीपी रेशियो एक्स का किसमें अप्लाई करोगे? एक्स का जीपी रेशियो किसमें अप्लाई करोगे? एक्स का जीपी रेशियो किसमें अप्लाई करोगे? टू द स्टॉक ऑफ वाई, वाई के स्टॉक में। क्यों? क्योंकि एक्स ने वाई को बेचा होगा तो वाई के स्टॉक में एक्स का प्रॉफिट शामिल होगा, और वैसे ही ये किसमें शामिल कर, ये किसमें लगाओगे? अप्लाइड टू स्टॉक ऑफ एक्स। अरे बच्चों समझ में बात आ रही कि नहीं? बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर हुआ?
एक सवाल है आपसे, अगर अलग से ट्रांसफर वैल्यूज दी होती इधर और इधर, ट्रांसफर वैल्यूज दी होती, तो जीपी रेशियो निकालने के लिए आपने अभी किया जीपी अपॉन सेल, तो क्या अगर ट्रांसफर वैल्यू दी होती अलग से, तो क्या जीपी अपॉन सेल प्लस ट्रांसफर करते कि सिर्फ सेल करते? आप नहीं समझे मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं जीपी रेशियो निकालना है आपको परसेंटेज, और मैं आपको बोल रहा हूं कि अलग से ट्रांसफर्स के वैल्यूज यहां पर दी होती, अलग से दी होती, तो मैं बोल रहा हूं जीपी अपॉन सेल प्लस ट्रांसफर, ये दोनों करते हैं कि ट्रांसफर नहीं लेते? ट्रांसफर नहीं लेते, हाँ। इसमें तो हमने देखा कि भाई सेल में इंक्लूड है, और सेल में इंक्लूड मतलब हमने तो ले लिया। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? हमेशा याद रखना, इफ ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट, ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट इज एट कॉस्ट, देन डू नॉट कंसीडर दिस ट्रांसफर फॉर जीपी रेशियो। अगर कॉस्ट पे ट्रांसफर किया है, किस पे ट्रांसफर किया है? कॉस्ट पे, तो मैं जीपी रेशियो में कंसीडर नहीं करूंगा। पर अगर कॉस्ट पे ट्रांसफर नहीं किया है, मार्जिन पे ट्रांसफर किया है, मार्केट रेट पे ट्रांसफर किया है, मैंने एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को मार्केट रेट पे ट्रांसफर करता है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे। और हमने यहां पर कंसीडर इसलिए किया क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि सेल का पार्ट है, और सेल का पार्ट है तो मतलब मार्केट रेट पे ही ट्रांसफर किया होगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं? ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा? बात समझ में आ गई कि नहीं? ओके, तो ये अपना, ये तो अभी सिंपल सा जीपी रेशियो आ गया। अब मुझे बताओ कि अब आप स्टॉक रिजर्व कैसे निकालोगे? कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, एक हो गया एक्स, एक हो गया वाई। बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना है एक्स का? कितना क्लोजिंग स्टॉक? 1,00,000। और ओपनिंग स्टॉक कितना है? तो बताओ नेट कितना आया? नेट इंक्रीज 50? नहीं यार, एक सेकेंड, ये तो क्लोजिंग स्टॉक पूरा पूरा है ना। एक्स के क्लोजिंग स्टॉक में कितना वाई से आया? मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, हाँ कितना, और सेम ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट कितना? अरे बोलो कितना? 10,000। अरे जल्दी बोलो, 30, 10 है ना बेटा, 10। तो नेट इंक्रीज कितना हुआ? 10। बताओ इसके क्लोजिंग स्टॉक पर जीपी रेशियो कित कौन सा लगाओगे? जल्दी बोलो, वाई का 50%, मतलब कितना आया? 5,000 स्टॉक रिजर्व। बच्चों क्लियर हुआ? मैंने क्या किया, मैंने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दिया। सर आपने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्यों किया? क्योंकि क्लोजिंग पे भी 50% लगने वाला है और ओपनिंग पे भी 50% लगने वाला है। अगर क्लोजिंग पे अलग परसेंटेज लगता और ओपनिंग पे वो परसेंटेज निकाल के देता मुझे अलग से, तो मैं फिर वो अलग अलग निकालता। क्लोजिंग पे अलग परसेंट, ओपनिंग पे अलग परसेंट। समझ में मेरी बात आई कि नहीं? अरे बोलो यार, चलो वाई में आप निकाल लो, वाई में निकाल लो जल्दी। सिक्स थाउजेंड बोलो बेटा, 6,000।
अब ये कहां जाएंगे, ये स्टॉक रिजर्व, ये स्टॉक रिजर्व कहां जाएंगे? सबसे बेस्ट वे है एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। क्या बनाना? अब यहां पर आप डालोगे ग्रॉस प्रॉफिट एक्स और वाई का, किसका? एक्स और वाई का। एक्स का कितना? अरे ग्रॉस प्रॉफिट बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट नलायको 4 लाख और वाई का 750। टू जनरल एक्सपेंस कितना? 125 और टू स्टॉक रिजर्व 5 और 6 11,000। यहां आ गया आपका टू नेट प्रॉफिट। बच्चों क्लियर है कि नहीं? क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? एक लास्ट क्वेश्चन बचा है मुझे जो आपको करवाना है, एक लास्ट क्वेश्चन, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डिपार्टमेंट का ही, वो करवा देते हैं ताकि फिर डिपार्टमेंट के मेजर मेजर चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ बेटा बोलिए, बड़े आगे। चलिए, दिस इज द गुड क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम वाइज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीन डिपार्टमेंट है, आई जे के, तीन डिपार्टमेंट है आई जे के। तीनों डिपार्टमेंट का देखो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जे और के स्टॉक के ऊपर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स भी दिए हुए हैं। मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर, क्लोजिंग स्टॉक, सेल, आप ध्यान से देखोगे तो सेल सिर्फ के का दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आई और जे का मिसिंग है, अगर मिसिंग होता तो वो क्वेश्चन मार्क डालता, मिसिंग नहीं है, सेल इनकी है ही नहीं। ठीक है, वैसे ही के का मटेरियल कंज्यूम्ड है ही नहीं और लेबर है ही नहीं, मिसिंग नहीं है, एरिया ऑक्यूपाइड और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये दो चीजें क्यों दी होती हैं? कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं कॉमन एक्सपेंसेस, जिन कॉमन एक्सपेंस को इन बेसिस पे बांटना पड़ता है हर डिपार्टमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर वैल्यूड एट डिपार्टमेंट कंसर्न, स्टॉक ऑफ आई आर ट्रांसफर टू जे एट कॉस्ट प्लस 20%। अच्छा, आई जो है वो जे को कॉस्ट प्लस 20% पे गुड्स ट्रांसफर करता है। कितने पर ट्रांसफर करता है बेटा? अरे जल्दी बोलो, कॉस्ट प्लस, तो जल्दी बताओ आई की कॉस्ट क्या क्या है, जल्दी मुझे देख के बताओ। आई में ओपनिंग स्टॉक बोलो कितना है? 5,000 प्लस डायरेक्ट मटेरियल बोलो 9,000, लेबर बोलो 16,000 और लेबर 9,000, टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया जल्दी बोलो? 5 प्लस 16 प्लस 9 30, ये हो गया आपका प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में से आपका क्लोजिंग स्टॉक हटाओ, ठीक है, तो इसका मतलब ये आ गया कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर टू जे कितना आ गया बेटा? अरे बोलो यार, 25,000 और हम इसको कितने पे ट्रांसफर करते हैं? प्लस 20%, तो बताओ ट्रांसफर वैल्यू क्या आ गई? ट्रांसफर वैल्यू 30,000। बच्चों समझ में आ गया कि नहीं?
ट्रांसफर वैल्यू आ गया 30,000। बेटा क्लियर है? देख लो एक बार, क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट एक बार चेक करो, जे किसमें ट्रांसफर करता है? जे ट्रांसफर करता है ना के को। चलो अब बढ़ते हैं आगे। जे जो ट्रांसफर करता है वो के को ट्रांसफर कर, के को करता है कितने में? 20% ऑन। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप जे का ओपनिंग स्टॉक बोलो। जे का ओपनिंग स्टॉक बोलो 8,000। बोलो यार 8,000 प्लस, जल्दी बोलो अब क्या आएगा? बच्चों मटेरियल कंज्यूम से पहले ट्रांसफर फ्रॉम आई, ट्रांसफर फ्रॉम आई, आई से ट्रांसफर कितना आया? अब बोलो मटेरियल और लेबर 20 और 10। टोटल प्रोडक्शन बोलो, टोटल प्रोडक्शन बोलो, जल्दी बोलो टोटल प्रोडक्शन। संजय ये नोट्स जो है ना वो न्यू सिलेबस वालों को बांटने हैं, ओल्ड वालों को आपको लेने की जरूरत नहीं। जो अगर कोई ओल्ड वाला बैठा है तो ओल्ड सिलेबस वाले की कोई जरूरत नहीं। हाँ प्रोडक्शन टेल मी 68,000। 68,000 बोलो बेटा, 68,000 ठीक है। अच्छा माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक टेल मी 20,000, तो आपका 48,000 हो गया कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। बोलो बच्चों कितना आ गया कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर इसमें? 48। अच्छा वो ट्रांसफर कितने पे करता है? 20% ऑन सेल, मतलब 1/5 ऑन सेल, तो 1/4 ऑन कॉस्ट। हाँ 1/4 ऑन कॉस्ट, जल्दी बोलो। तो 48,000 1/4, 48,000 1/4 12,000, 12,000 का प्रॉफिट। इसका मतलब 60,000 क्या हो गया ट्रांसफर वैल्यू 2K। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर हुआ यहां तक? पक्का समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो समझ में आ गया? गाइस क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा ट्रांसफर टू के, आपको इतनी चीजें तो क्लियर हो चुकी है ठीक है। इसके बेसिस पर जब हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, आई जे के जे आई, बताओ ओपनिंग स्टॉक बोलो 5, 8, 9, 19, उसके बाद मटेरियल, जल्दी बोलो मटेरियल 16, 20, लेबर 9, 10, सेल 80,000 के, ट्रांसफर 30, 60, और यहां पर भी आएगा ट्रांसफर 30 और 60 के में, 30 जे में। बोलो बेटा, बोलिए बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं? और कोई एक्सपेंसेस है क्या? एक्सपेंसेस पर वो इनडायरेक्ट नेचर के है ना। क्लोजिंग स्टॉक बोलो 5, 20,000, 5,000 आपका यहां से जीपी तो आ गया बेटा। समझ में आया कि नहीं? जीपी परसेंट, जीपी तो आ गया, जीपी परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो बता रहा है कि आई जो है वो जे को कितने परसेंट में बेचता है, जे जो है वो के को कितने परसेंट में बेचता है। तो ऐसे केस में जीपी रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। जीपी रेशियो वहां निकालने की जरूरत नहीं है, जरूरत होती है जहां पर वो अलग से परसेंटेज ना बताए।
समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये तो ठीक था, अभी मुद्दा यह है कि स्टॉक रिजर्व कैसे निकालेंगे, मुद्दा यह है कि स्टॉक रिजर्व कैसे निकालेंगे, ठीक है? स्टॉक रिजर्व कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले बताओ बेटा, शुरू करते हैं आई से। आई से क्लोज, आई के क्लोजिंग स्टॉक पर कोई स्टॉक रिजर्व निकलेगा क्या? यस और नो, टेल मी, टेल मी। नो स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आई, क्यों? क्योंकि आई को जे और के ट्रांसफर नहीं करते। तो अब बताओ जे की बात करते हैं, बताओ जे का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20। बोलो बेटा। हाँ सर, अब कैसे पता कि 20,000 में आई से कितना आया? 20,000 के क्लोजिंग स्टॉक में आई से कितना आया कैसे पता? कैसे पता? तो इसीलिए आइए सामने, 20 का क्लोजिंग स्टॉक है जे का, कैसे पता आई से कितना आया? ऐसे केसेस में हमेशा क्वेश्चन में वैसे तो दिया जाता है कि आई से 5,000 का आया। आई सर 30,000 का है तो सही। अरे बेटा 30,000 तो टोटल है ना, पर क्लोजिंग स्टॉक में कितना शामिल है? क्वेश्चन में मोस्टली दिया होता है, पर इस क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, नहीं दिया है। वैसे क्वेश्चन में दिया होता है कि क्लोजिंग स्टॉक में ना 20% गुड्स आई के हैं, 40% गुड्स आई के हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर नहीं दिए होंगे तो आपको करना क्या है, आपको ड्यूरिंग द ईयर के एक्सपेंसेस देखने हैं। ये तीन चीजें आपको ड्यूरिंग द ईयर की, ये तीन चीजें देखनी है। ओपनिंग छोड़ देना, ड्यूरिंग द ईयर की तीन चीजें ध्यान से देखो, जे की ड्यूरिंग द ईयर की तीन चीजें। मुझे बताओ ये 20,000 और 10,000 किसने खर्चा किया है? जे ने। पर ये 30,000 उसको कहां से आया है? इसका मतलब जे अपने स्टॉक के ऊपर आधा खर्चा खुद करता है और आधा उसको आई से आता है, मतलब 50-50। बोलो बेटा। तो इसका मतलब आप हमें अज्यूम करना पड़ेगा 50% फ्रॉम आई। समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब कितना आया होगा आई से? 10,000। और 10,000 अगर आई से आया होगा तो आई कितने में ट्रांसफर करता था? कॉस्ट प्लस 20। अब ये तो सेल वैल्यू है आई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाय 120 × 20 कितना आएगा बेटा? 1667। क्लियर हुआ बेटा? जल्दी बोलो, और बाकी पे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी तो उसका खुद का कॉस्ट है। बच्चों समझ में आया कि नहीं? अब आप देखो सेम टू सेम के का क्लोजिंग स्टॉक चेक करो। बोलो बेटा। अब बताओ जे से कितना आया? जे से कितना, मतलब इसके क्लोजिंग स्टॉक में जे का कितना पोर्शन है? इसके क्लोजिंग स्टॉक में जे का कितना पोर्शन है? इसके लिए आप जाओगे के का ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस चेक करो। एग्जैक्टली, पूरा का पूरा उसको देखो जे से आया है, इसका मतलब उसके खुद के कोई खर्चे होते ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? 100% फ्रॉम जे। बोलो बच्चों, तो बताओ निकालो इसमें कितना प्रॉफिट का अर्न किया होगा जे ने? प्रॉफिट का परसेंटेज क्या था? 20% ऑन सेल्स, तो ये सेल ही है, तो स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। बोलो बेटा 1,000। अब रुक जाओ, अभी अभी इसमें एक इनडायरेक्ट प्रॉफिट एक्स का भी है, एक्स मतलब आई, सॉरी, इसमें इनडायरेक्ट प्रॉफिट आई का भी है। आई का कैसे? देखो के पास जो क्लोजिंग स्टॉक रखा है वो कहां से आया? जे से। और जे के पास जो स्टॉक रखा होता है आधा आई से आता है। तो आप सोचो, सबसे पहले तो इसकी कॉस्ट निकाल लो, 4,000। सर कैसे? 5 में से 1,000 गया तो कितना बचा? 4,000। ये आएगा कॉस्ट फॉर जे, और जे की कॉस्ट के दो हिस्से होते हैं, 50-50। बोलो बेटा, 50 फ्रॉम आई, और इस 50 फ्रॉम आई पे निकालो फिर से × 20 / 120। जल्दी निकालो,
667, बच्चों समझ में आया कि नहीं? 667 बेटा क्लियर है कि नहीं? आप एक क्वेश्चन पूछोगे, सर हमने क्लोजिंग स्टॉक का ही क्यों निकाला है, ओपनिंग स्टॉक का क्यों नहीं? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का निकाल के दिया हुआ है। बोलो ना बच्चों, ओपनिंग स्टॉक का उन्होंने निकाल के दिया हुआ है। बेटा मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब स्टॉक जो आपको ये लिखने हैं अपने हिसाब से, इतना समझ में आया कि नहीं? एक चीज मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं थ्योरेटिकली, डिपार्टमेंट में एक और क्वेश्चन है, मेमोरेंडम मार्कअप, मेमोरेंडम स्टॉक, अगर आपको ध्यान हो तो, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, याद है कि नहीं? एक ही चीज बोलूंगा बेटा, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड ऑफ ब्रांच। हमने जो ब्रांच में स्टॉक एंड डेटर्स मेथड सीखा है ना, सेम टू सेम प्रिंसिपल्स वैसे वैसे के वैसे लगेंगे। देखो स्टॉक एंड डेटर्स में हम दो अकाउंट बनाते हैं इंपॉर्टेंट, एक ब्रांच स्टॉक और एक ब्रांच एडजस्टमेंट। वैसा का वैसा ही आपको मेमोरेंडम स्टॉक और मेमोरेंडम मार्कअप बनाना है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट सेम है। बेटा बात समझ में आई कि नहीं? तो आप वैसा का वैसा कॉन्सेप्ट रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों समझ में आया यहां तक? बोलो बेटा। सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड द डिपार्टमेंट टॉपिक ऑल्सो। हे गाइस, थैंक यू सो मच, आपने ये पूरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया हो, ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मुझसे डाउट पूछ सकते हो। अगर आप मुझसे डाउट व्हाट्सएप पे डाउट पूछना चाहते हो तो 7887787 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। जनरली मैं व्हाट्सएप पे डाउट्स के लिए अवेलेबल होता हूँ, टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ डाउट्स के लिए। हालांकि टेलीग्राम पे मेरा एक ग्रुप है डाउट्स एंड डिस्कशन का, वो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस ग्रुप में मैं भी रिप्लाई करता हूं डाउट्स के लिए, और अगर मैं नहीं भी रिप्लाई करता हूं तो बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जो रिप्लाई कर सकते हैं और आपकी क्वेरीज जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सकती है। राइट, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरे ये सारे के सारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ, सभी सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी जूनियर्स के साथ। राइट, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपने मेरी क्लासेस पहले नहीं की थी, आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी हैं, तो आप जरूर अपने जूनियर्स को रिकमेंड करिएगा कि वो मेरी क्लासेस परचेज करें, रेगुलर कोर्स परचेज करें या फिर फास्ट ट्रैक कोर्स परचेज करें। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि सीए इंटर में स्पेसिफिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात अगर करें तो मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक सेपरेट बुक आता है ट्रम्प। राइट, मेरा एक सेपरेट बुक आता है ट्रम्प करके। राइट, और एक अलग से एक बुक आता है एएस चार्ट बुक, और सारे टॉपिक्स का एक चार्ट बुक, वो बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त तरीके से मैंने बनाया है। आई होप आपको उस बारे में पता भी हो, मैंने मैंने इस टॉपिक के बीच में वो चीज डाली थी। तो आप अगर लगता है कि आपके लिए वो बुक जरूरी है, आपको लगता है कि वो बुक अच्छी है, तो आप जरूर वो ऑर्डर कर सकते हो वी स्मार्ट एकेडमी वेबसाइट पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आई होप आप मुझे फीडबैक जरूर देंगे कि आपको लेक्चर्स मेरे कैसे लगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दैट, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स आपके कैसे जाएंगे, आपका रिजल्ट कैसा आएगा, आप मुझे सब बताएंगे। राइट, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।